नमस्ते दोस्तों, इतिहास घास के तिनकों से नहीं फौलादी तीरों से बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं उज्जवल रत्नों से बनता है। अरे जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल दे, इतिहास उन भगोड़ों से नहीं सूरवीरों से बनता है। दोस्तों, अभी आरएस की वैकेंसी नहीं है और जो थी वो आरएस प्री कैंसिल हो चुका है, परंतु अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत ही जल्दी ये जो वैकेंसी 2013 या 2014 की आएगी वो बहुत ही जल्दी पूरी होगी। आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप आरएस मेंस के लिए तैयार हैं? आरएस मेंस 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपके आरएस मेंस की तैयारी आज आपके पास कंप्लीट है? ये मत सवाल कीजिए कि आपके अभी वैकेंसी आई नहीं है। दोस्तों, 99, 98, 2003, 2007, 2008, 2010, 2012 इन सभी के पेपर और आरएस की वैकेंसी पूरी हो चुकी है या होने वाली है और होगी एक दिन, फिर 2014 और 15 के भी हो जाएगी। आप ये अपने आप से सवाल कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। उम्मीद की किरण को हमेशा बनाए रखिए और पूरा डेडिकेटेड होकर आप लगे रहिए। अपनी हिम्मत को कम मत होने दीजिए, अपने में रोज जोश भरिए। रोज सुबह उठिए और रोज अपने में जोश भरिए और चलते रहिए। आप अगर आप में स्ट्रेस है या कुछ भी बात है, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए या अपने अच्छे ग्रुप बनाइए या कोचिंग में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। अपना दोस्तों का ग्रुप बनाइए और रोज आरएस मेंस की टेस्ट लीजिए, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। और ये जो पीरियड है, इस पीरियड का दोस्तों अच्छा यूज ले लीजिए। इसमें जो बढ़त बनाएगा वो फायदे में रहेगा। अब देखना यह है कि आप इसमें बढ़त ले पाते हैं या नहीं। अब देखिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। यदि आप सूर्य की ओर आपकी नजरें हैं तो दोस्तों आपकी परछाई आपके आगे नहीं, हमेशा आपके रास्तों में पीछे रहेगी, आपके आगे आपके रास्तों में कभी नहीं आएगी। हमेशा सकारात्मक सोच और सकारात्मक लोगों से मिलिए, हमेशा उम्मीद की किरण को बनाए रखिए। एक शायरी है, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों का सूरज निकले चारों ओर, फौला दी है हर बाहे, हिम्मत दी हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। दोस्तों, कछुए की तरह लगातार चलते रहिए, लगातार चलते रहिए। आज नहीं तो कल वैकेंसी पूरी हो जाएगी, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। हर वैकेंसी पूरी हुई है, ये भी आएगी और पूरी होगी। आरएस एक हलवा है जिसे हर कोई खा सकता है। धैर्य रखिए और अपने पर विश्वास रखिए, आप पाओगे, यस आप बन सकते हो। धैर्य रखिए, धैर्य और विश्वास और लगातार चलते रहिए। आवश्यकता सिर्फ धैर्य और विश्वास रखने की है। जिंदगी में हर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, परिस्थितियों का बहाना मत बनाइए। परिस्थितियां सभी के साथ होती है, उस परिस्थितियों से जूझिए, उसको तोड़िए और आगे बढ़िए, विजय प्राप्त कीजिए। दोस्तों, लाइब्रेरी में आप टाइम कंट्रोल रह सकते हैं, इससे आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। फ्रेंड बनाओ, उसके साथ टेस्ट दो, रोज मेंस की तैयारी करो, रोज पेपर दो। आपको मेंस एक टेस्ट पेपर की तरह लगना चाहिए। त्याग करो, कैसा भी आज आपके साथ में दिन हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे 6 महीने सिर्फ और धैर्य रखो, सिर्फ 6 महीने दोस्तों, सिर्फ 6 महीने आप कर सकते हो। आपको ये करना होगा क्योंकि ये राह आपने चुनी है, डिसीजन ये आपका है। जो कुछ भी फील हो रहा है कोई बात नहीं, धैर्य के साथ टिके रहिए। आपका हर प्लानिंग सही है, आपकी हर सोच सही है। दोस्तों, खुद पर धैर्य रखिए क्योंकि कल आप सफल हो जाएंगे। आज सिर्फ संघर्ष का दिन है, इनको कम कीजिए। आप अंधेरी रातों में भी कल के सूरज को देखने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों, आपको वो दिखना चाहिए जो आप देखते हो। अगर कांच में दिखते हो, अब यदि आपके बनियान पहनी हुई है फिर भी आप कांच में देखते हुए अपने आप को एक आईएएस की साड़ी या आईएएस का एक टाई पहने हुए अफसर की तरह अपने आप को देखिए। अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। दोस्तों, अंधेरी रातों में भी दीपक जलाइए, किसने मना किया है? बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, फिर भी अपने आप से वादा कीजिए, यस मैं करूंगा, क्योंकि ये राह मैंने चुनी है, डिसीजन मेरा है। कुछ भी हो जाए टिके रहिए, कोचिंग कर लीजिए, इस टाइम पीरियड में आपको बहुत फायदा होगा।
कोई कोचिंग कर ले, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। धैर्य के साथ कुछ डिसिप्लिन रखिए, कुछ आप त्याग कीजिए, कुछ सेक्रीफाइस कीजिए, आपको फायदा होगा। उसके बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग करके, अगर आप आपके पास समय नहीं है तो कुछ मैटर को आप वॉइस रिकॉर्डिंग एप्स में ले सकते हो, और उससे आप जब भी आपको समय मिले उसको आप पूरा करते रहिए। चार्ट को दीवार पे टंगा सकते हो, आप जहां कहीं भी बैठो उसमें वो मैटर को लिखकर आप सामने दीवार पर आप चिपका सकते हो। उसके बाद आप जो भी पढ़ते हो उसकी छोटी छोटी चिट्ठियां बनाकर अपने जेब में ले रखिए, जिससे जब भी बस स्टैंड या कहीं भी जा रहे हो उस चिट्ठी को निकालो और पढ़ लो। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, ये वक्त है जब वैकेंसी नहीं है, पढ़ने वाले आज पढ़ रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस टाइम का आप अपने आप का बहाना बनाते हो कि वैकेंसी नहीं है या फिर आप पढ़ते हो। डिसीजन आपके हाथ में, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे नंबर 800-300-2825 है व्हाट्सएप पर, और gordhan.das1@gmail.com पर आप मुझे फेसबुक पर भी आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, मैं उसका आपको गाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय।